वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक विल बी पाकिस्तान मूवमेंट आर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान मूवमेंट और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, इन दिस टॉपिक यू विल लर्न सम मेन पॉइंट्स एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक इज दिस वन। पाकिस्तान मूवमेंट फ्रॉम 1942-1947। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ये स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ये तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस स्ट्रगल को अमली जामा तब पहनाया गया जब बरसगीर के लोगों को प्रैक्टिकली जो सियासत है उसमें शमूलियत का मौका मिल गया। उस्मान अली, आप मुझे बता सकते हैं कि बरसगीर के लोगों को कब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में शमूलियत का हेलो उस्मान अली, उस्मान अली आप मुझे ये बताए कि बरसगीर के लोगों को अमली सियासत में दाखिल होने का मौका कब मिला था? तकरीबन सर 1940। नो नो सर 1942। नो, एनीवन एल्स? पहली सियासी पार्टी यहाँ पे कौन सी बनी थी? चर्ची की सर। नो, उससे पहले भी एक सियासी पार्टी बनी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बताया था। और मुस्लिम लीग हुआ कहाँ सर 1946 सर? नहीं, वो तो ठीक है, मुस्लिम लीग हुआ, बट इससे पहले भी 1885 में कौन सी पार्टी बनी थी? Which was established by AOC. दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल ले, शाबाश, कोई भी मुझे जवाब दे सकता है। British India. No. All India National Congress, which was been established in 1885. याद आया? 85, yes sir. Yes sir. तो इस पार्टी कांग्रेस यहाँ के बरसगीर के लोगों को अमली सियासत में आने का मौका मिल गया। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। 1906 में कौन सी पार्टी बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी। याद रखिए कि ये कांग्रेस जो पार्टी थी इसमें हिंदू, मुसलमान और जितने भी मजाहिब के, जितने भी कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग थे वो सब के सब इस पार्टी का हिस्सा थे। बट मुस्लिम लीग के बनने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करना थी, ठीक है। ये पार्टी फिर आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान में इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1913 में उसमें इस पार्टी में कायद आज़म ने शमूलियत कर दी। इसके बाद अलामा इकबाल इस पार्टी में शामिल हो गए और यूँ ये स्ट्रगल जारी था। अगर आप लोग देख लेना तो 1906 के बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली हमने जंप लगाई है 1940, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये अनफेमिलियर लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस शेयर्ड बाय एचईसी और सिलेक्टेड बाय एचईसी फॉर यू पीपल, तो उसमें वो टॉपिक्स नहीं है, इसलिए आप लोग उसके आप लोगों को उस इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी पाकिस्तान मूवमेंट का, यानी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो स्टेप्स थे वो हम 1940 से पढ़ेंगे।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1940 में यानी 1940 में लाहौर के मकाम पर एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद पास हुई थी, और इस करारदाद का क्या नाम था? इस करारदाद का नाम था करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान 1940। आप लोगों ने सुना है ना, मतलब FSC या डिप्लोमे के क्लास में आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ी होगी ना कि 1940 में करारदाद पाकिस्तान वो पास हो चुकी थी। करारदाद पाकिस्तान किसने पास करवाई थी? करारदाद पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मौलवी अब्दुल हक, विच वाज बीन नोन एज अ शेर बंगाल। वो शेर बंगाल के नाम से भी मशहूर है, और ये करारदाद उसने पास की थी। इस करारदाद के बाद यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद हम क्रिप्स प्रपोजल और इस तरह होते हुए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यहाँ तक हम ये टॉपिक्स आज कवर करेंगे, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इतने डिप में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन सरसरी हम पढ़ेंगे। आप लोगों के पास पेन और पेज होने चाहिए ताकि जो भी मुश्किल वर्ड हो या जो भी आप लोगों को कोई मुश्किल फेस हो ना, तो आप इसको लिख के मेरे साथ शेयर कर सको, ठीक है ना? द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पेज इज पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। तो देखिए, इन उर्दू, जो स्टूडेंट्स उर्दू में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहता है ना, तो इसको कहते हैं करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर, दोनों एक ही चीज़ के, उर्दू में इसको करारदाद कहते हैं रेजोल्यूशन को। देखिए, ऑन 23 मार्च 1940 द फेमस रेजोल्यूशन विच केम टू बी नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड एंड पास। ये रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? ये 23 मार्च 1940 को मिंटू पार्क लाहौर में पास हुई थी। मिंटू पार्क को आजकल आप लोग मीनार पाकिस्तान पार्क के नाम से जानते हो, या मीनार पाकिस्तान आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये असल में उसकी यादगार है, क्योंकि यहाँ पर करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, तो इस वजह से इस जगह पे फिर बाद में एक मीनार खड़ा कर दिया, विच इज फेमस इज मीनार पाकिस्तान। इसके बाद ये रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन को और लोगों ने भी वक्तन फवक्तन पेश किया था, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940 इन एट मिंटू पार्क लाहौर, एंड इज नोन एज पाकिस्तान रिजोल्यूशन और लाहौर रिजोल्यूशन। ये डेट अपने साथ नोट कर ले, ठीक है, ऑन विच डेट पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज पास्ड और व्हेन पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज पास्ड। सो इट वॉज बीन पास्ड ऑन 23 मार्च 1940। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास जनरल नॉलेज के या पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ ना कुछ इलम होना चाहिए। अब देखिए, इस रिजोल्यूशन में असल में जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी, उन्होंने अपने जो मकासद है वो ज़ाहिर कर लिए कि हम अपने लिए एक अलग वतन बनाना चाहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस इसका क्या था, इस रिजोल्यूशन से की अहमियत क्या है, इससे फ़ायदा क्या हुआ मुसलमानों को? तो देखिए, इट गेव न्यू मीनिंग एंड शेप टू मुस्लिम्स डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन। उस्मान अली, इसका मतलब ये है ना कि इट गेव न्यू मीनिंग एंड शेप टू मुस्लिम डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन। इसने मुसलमानों की जो जदोजहद थी ना अपने लिए अलग वतन बनाने का, उसने इसको एक नया रुख दे दिया, एक नया मोड़ दे दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। It gave new hope, confidence, and infused a spirit among Muslims. मुसलमानों में एक अलग जज्बा पैदा हो गया, ठीक है ना? Yes, the resolution showed the unity among Muslims. इस resolution में, ये resolution जिस वक्त पास हो रही थी ना, तो इस resolution में बहुत ज्यादा मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, तो इससे ये बात भी जाहिर हो गई कि स्टिल यूनिटी एग्जिस्ट अमंग मुस्लिम उम्मा, क्योंकि मुसलमान एक पेज पे इकट्ठे हुए थे। तो ये चंद इम्पोर्टेंस थे इन रेजोल्यूशन के। अब आए ना हम इसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शन, कि ये रेजोल्यूशन जब पास हो गया तो इस पे हिंदुओं का क्या रिएक्शन था। याद रखिए कि हिंदू जो थे वो सब के सब उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, और कांग्रेस पार्टी इस बात की बहुत ज़्यादा मुखालिफत करते थे कि बरसग़ीर दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि बरसग़ीर की पार्टीशन हो जाए। इस तरह आप लोगों को पता है ना कि गांधी जी ये क्या समझते थे, गांधी जी बरसग़ीर की तकसीम को गाय की तकसीम से मुशाबहत देते थे, और गाय की अहमियत तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में गाय की क्या अहमियत है, पता है या नहीं, या मैं बताऊँ? पता है ना, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। गुड,
एक मिनट में अटेंडेंस जरा आप लोगों का ले लूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अटेंडेंस ले लूं और आप लोग भाग जाए। नहीं सर ऐसा नहीं होगा। एक मिनट मुझे दे दे, बस एक मिनट। सर जी बैटरी है सर कम है, 15% का नमा बस है। अबर क्लास ऑफ पे अगस्त ना होगा भी मुझे तीन अबर क्लास ऑफ पे उसी में कम आना ना टेन इस ना रुस तो कम पका मस्त कम ना बैटरी चर्च तो बोली थे तमा या आपने स्पीकर देख लिया हो ना किसी का? ठीक है चलो छोड़े, इस झंझट में ना पड़े, अल्लाह खैर कर लेगा। ठीक है डोंट वरी। तो द हिंदू रिएक्शन वाज ऑफ कोर्स क्विक बिटर एंड मेलिशियस, दे कॉल्ड पाकिस्तान डिमांड एंटी नेशनल। हिंदुओं ने देखे हिंदू पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बहुत मुखालिफ थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते थे कि बरसग़ीर ये तकसीम हो जाए। तो बिटर का मतलब है बहुत ज़्यादा तल्ख, मेलिशियस का मतलब है अदावत पर मबनी, यानी दुश्मनी पर मबनी था, मतलब अदावत, उसमें उससे अदावत साफ जाहिर थी कि वो लोग इस बात के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। और उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक एंटी नेशनल डिमांड करार दिया। गांधी डिक्लेयर्ड इट अ सिन एंड मोरली इलनेस ऑफ मुस्लिम लीग। पाकिस्तान रिजोल्यूशन को गांधी ने क्या करार दिया, देखिए ही डिक्लेयर्ड पाकिस्तान रिजोल्यूशन एज अ सिन एंड मोरली इलनेस ऑफ अ मुस्लिम लीग। उन्होंने मुस्लिम लीग को मोरली इल करार दिया कि ये क्या है, मोरली इल है, उनमें मोरलिटी नहीं है। तो इससे इसकी जो रिएक्शन है वो साफ जाहिर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रिप्स मिशन है। देखिए क्रिप्स मिशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को दे दूं ना, जरा मेरी बात सुने प्लीज। क्रिप्स मिशन ये कब पाकिस्तान ये कब बरसग़ीर आई थी, यानी ब्रिटिश इंडिया आई थी? फहीम मलिक आर यू हियरिंग मी? फहीम वेयर इज फहीम? इमरानुल्लाह कोई मुझे बता सकता है? आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा आपकी भी आवाज में सुनना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग योर नेम्स। ओके मुझे जरा रिस्पांस दिया करें, मैंने के जो माइक्स का मतलब है कि आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो। Yes, sir. Do you know when Second World War was started? दूसरी जंग अजीम कब स्टार्ट हुई थी और कब से कब तक थी, कोई मुझे बता सकता है? 1926 में सर। ना 1926 में नहीं, वर्ल्ड वॉर टू 1946 में सर। ना देखिए मेरी बात सुने, तेरे मेरी बात सुने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि द वर्ल्ड वॉर टू बिगन ऑन 1 सितंबर 1939 और ये जो ख़त्म हुई थी ये 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुई थी। 1 सितंबर 1939 को ये जंग स्टार्ट हुई थी और 2 सितंबर यानी 2 सितंबर 1945 को ये जंग ख़त्म हुई थी। ये जंग तकरीबन 6 साल और 1 दिन तक लड़ी गई थी, ठीक है। 6 years this war was being fought for 6 years and 1 day, ठीक है ना। तो इस जंग का जो मेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लैंड वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस वार। उस वक्त चूंकि दूसरी जंग अजीम का दौर था, दूसरी जंग अजीम स्टार्ट थी ना, और इधर एक मगलूबा स्टार्ट किया था जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे, यानी हिंदू और मुसलमान। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने मतलब इस टेंशन से जान छुड़ाने के लिए एक मिशन भेजी थी जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन के जो मकासद थे वो क्या थे, देखिए वर्ल्ड वॉर टू काज ब्रिटिश टू फेस अ ग्रेट लॉस
And by this time, Indians were politically stable and wanted their rights. So they to make satisfy British government appoint a delegation under the chairmanship of Sir Stafford Cripps. World War II में यानी दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड ने अच्छा खासा नुकसान उठाया था और बरसगीर के लोग जो थे उस वक्त उस नुकसान से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि आओ और अंग्रेज़ों से अपने पॉलिटिकल जो मकासद है सियासी मकासद है वो हासिल कर ले। तो इसी बात को करने के लिए इसी बात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए क्या हुआ यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के ज़ेर निगरानी एक मिशन भेजी जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन उन्होंने भेजी तो देखिए द क्रिप्स मिशन रीच ये मिशन इसमें कुछ मेंबर्स थे और स्टेफर्ड क्रिप्स इसका सरबराह थे। तो ये मिशन पहुंच गई कब ये दिल्ली पहुंच गई ये 23 मार्च 1942 को ये मिशन दिल्ली पहुँच गई और उसका जो मेन मकसद था वो क्या था कि यहाँ के जो लीडर्स हैं ना पॉलिटिकल लीडर है उनके साथ बातचीत कर मुफाहमत का कोई राह वो तलाश कर ले बातचीत के ज़रिए। लेकिन बस किस्मती से यहाँ का कोई भी लीडर उनके साथ उन्होंने मतलब मीटिंग वगैरह अरेंज नहीं की। ठीक है ना, कोई भी लीडर ना मुस्लिम लीग का ना कांग्रेस का कोई लीडर उनके साथ बात करने बैठ गया। ठीक है, तो इसके बाद जो क्रिप्स मिशन थी उन्होंने अपनी जानिब से यकतरफा तौर पर क्या कर दिया, यकतरफा तौर पर अपना सजेशन पेश किया। उस सजेशन में नंबर वन पॉइंट आप लोग देख लेना कि डोमिनियन स्टेटस शेल बी ग्रांटेड आफ्टर द वार। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि देखिए एक अटानमस एक खुद मुख्तार हैसियत मतलब कि जंग अजीम के बाद यानी जंग के बाद ब्रिटिश इंडिया को एक खुद मुख्तार हैसियत करार दिया जाएगा मीन आज़ादी की तरफ इशारा था। अगर आप लोग देख लेना हम तो जो आज़ादी है जश्न आज़ादी है वो तो हम 14 अगस्त को मनाते हैं ना क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन याद रखिए हकीकत इसके कुछ ना कुछ वो हकीकत कुछ और है। देखिए उस वक्त जो बरतानिया थी यानी इंग्लैंड थी वो बुरी तरह जंग में फंस चुकी थी, दूसरी जंग अजीम में वो बुरी तरह फंस चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा नाला थे यहाँ के लोगों से। ठीक है, तो वो जहनी तौर पर तैयार थे यहाँ से बरसगीर से सब कुछ लूट कर वो जाने पे आमादा थे, वो लोग जाने वाले थे। ठीक है ना, ऑलरेडी तो देखिए 1942 के क्रिप्स मिशन में उन्होंने ये बात वाजह कर दी कि जंग के बाद हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। जी मतलब खुद मुख्तार हैसियत सब कॉन्टिनेंट को खुद मुख्तार हैसियत दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब आज़ाद कर दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था कंडीशन था वो क्या था कि वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी एक्सपेंडेड। वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके साथ जो मेम्बरान है उसका जो काबीना है ना उनको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। एक्सपेंड करने से मुराद क्या है कि उनकी तादाद उसमें मेम्बरान की तादाद को बढ़ाई जाएगी। द थर्ड पॉइंट इज एन इंडियन बॉडी टू बी सेट अप to frame a constitution, a new constitution. देखिए उसका जो क्रिप्स मिशन का जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि हम यहाँ के नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडियंस को ही ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। नया कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आईन किसे कहते हैं? उस्मान अली सर आईन किसे कहते हैं? सर जिसके सिंपल हम इस तरह कह सकते हैं ना कि कवायद और जवाबित का वो मजमुआ जिसके तहत किसी रियासत का इंतजाम चलाया जाता है उसको आईन कहते हैं। आजकल जो पाकिस्तान जिसके आईन के अंदर चल रही है वो कौन सा आईन है आपको बताए? 1973 का आइन ये पाकिस्तान में राइज है और ये आइन 1973 में पास हुई थी और ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई थी। ठीक है ना, तो इसी तरह उन्होंने ये सर जी
आईन में तरमीम कैसे किया जाता है? आईन में तरमीम देखिए, आईन में तरमीम जब देखिए, फॉर एग्जांपल आप आईन में कोई अमेंडमेंट यानी तरमीम करना चाहो ना, तो उसके लिए आप असेंबली में बिल पेश करोगे, ठीक है? और असेंबली में बिल कौन पेश करता है? वो असेंबली के मेंबरान यानी एमएनएज़। एक एमएनए असेंबली में जब बिल पेश करके उस पर 2/3 मेजॉरिटी से जब लोगों की राय दही वो ले लेना, उसकी मंजूरी ले ले 2/3 मेजॉरिटी से, मतलब 3 में से 2 बंदे अगर इस पे राजी हो ना, तो फिर उस आईन को अमेंड कर दिया जाता है, उसमें चेंजेस लाई जाती है, ठीक है? समझ आ गई? यस सर। समझ नहीं आई? समझ आई सर, यस सर। लेकिन ये एमएनएज वगैरह कहते हैं, इसी वजह से इसको ला मेकर्स कहते हैं ना, देखिए ला मेकर्स, क्योंकि हमारा मुल्क में जो भी कानून राइज होता है ना, वो कौन राइज करता है, कौन कानून कौन बनाता है? हम जिसको वोट देते हैं, एमएनएज एमपीएज, ठीक है? ये कानून फिर नाफिस कौन करवाता है? कानून नाफिस करने वाले इदारे यानी FIA, पुलिस, आर्मी, जितने भी है, अगर आप लोग कानून से रूगर्दानी करोगे तो ये आपको पकड़ लेंगे, पकड़ के फिर इसको बरकरार कौन रखता है? फिर इसको जो अदलिया है ना, वो इसको बरकरार रखती है, मतलब अदलिया उसको देखती है कि मतलब कोई कितना कौन कितना कानून के अंडर वो चल रहा है, क्योंकि फैसला फिर किसके हाथ में होगा? फैसला होगा अदलिया के हाथ में। एक अदलिया होता है, एक एग्जीक्यूटिव और एक मुकन्निना, ठीक है ना? तो इसके अलावा देखिए, द फोर्थ पॉइंट अगर आप लोग देख लेना, ये फोर्थ पॉइंट, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट शैल बी फ्री टू रिफ्यूज टू जॉइन द इंडियन यूनियन एंड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वो प्रोविंसेस जो बिल्कुल होली सोली ब्रिटिश के अंडर थे, जिसमें कोई किसी भी सब कॉन्टिनेंट के मकामी लोगों का इख्तियार नहीं था, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जानते हैं ना, प्रिंसली स्टेट्स जानते हैं? देखिए, प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त ये आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी, जिस तरह हैदराबाद थी, जिस तरह बहावलपुर थी, जिस तरह सुवात, जिस तरह दिर। आप लोगों ने सुना है ना, नवाब ऑफ दिर? आप लोग मुझे सुन रहे? नवाब ऑफ दिर, वाली, सुवात, तो ये क्या थे? ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ये शहजादे और महाराजे ये इनको चलाते थे। तो इनको मतलब वो क्रिप्स मिशन में एक प्रपोजल ये भी थी कि इनको पूरा इख्तियार दिया जाएगा कि ये किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, या अपने लिए अगर ये लोग अलग आइन भी बनाना चाहे ना, तो दे कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर सेल्फ। द फिफ्थ पॉइंट इज स्टिल एंड ऑफ द वॉर, इंग्लैंड टू रिटेन डिफेंस ऑफ इंडिया। डिफेंस का जो महकमा है, जी जी, कोई क्वेश्चन है? देखिए, टिल एंड ऑफ द वार, जंग के खात्मे तक जो डिफेंस के यानी दिफा के इख्तियारात है, वो इंग्लैंड के अंडर रहेगी। दिफा के इख्तियारात से क्या मुराद है? दिफा मीन जो डिफेंस का वो सिस्टम होता है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस, एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक पेवर डिफेंस है। डिफेंस मिनिस्ट्री तो सिविलियन इदारा है, लेकिन जो डिफेंस है, वो डिफेंस में क्या आता है? इसमें जो 3 मसल्ला अफवाज है, ठीक है ना, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, इसके अलावा जो रेंजर्स है, इसके अलावा जो FC है, फ्रंटियर कोर, ठीक है ना। पंजाब में अगर आप लोग देख ले, वहाँ पर रेंजर है, पंजाब रेंजर्स, और सिंध में रेंजर्स है, और बलूचिस्तान और जो KP है, उसमें फ्रंटियर कोर है। फ्रंटियर कोर मीन ये क्या है? ये इन 2 सूबे में फ्रंटियर कोर है, ये आर्मी, इसके जो अफसरान होते हैं ये आर्मी से होते हैं, ठीक है, और जो दूसरी FC है ना, जिसको फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी कहती है, तो इसके जो अफसरान बाला है वो ये क्या हो गया इस पे? तो बात कर रहा था मैं डिफेंस के, कि डिफेंस के जितने भी इख्तियारात है, वो सब के सब इंग्लैंड के पास होंगे, ठीक है, यानी वो उनको
डिफेंस का जो इख्तियार है वो यहाँ के मकामी लोगों के या मकामी लीडर के पास नहीं होगा. ठीक है, सजेशन ऑफ क्रिप्स मिशन. हेलो जी सर. अच्छा अच्छा ठीक है सर. आप लोग सो गए थे? नहीं जाग नहीं रहे थे कि आप लोग इतना खाना खा लेते हैं ना दोपहर को कि फिर आपको इस वक्त नींद आती है. पहले मैं थोड़ा सा कम खाओ, क्या समझे? सजेशन ऑफ क्रिप्स मिशन सर पर. हाँ सजेशंस ऑफ क्रिप्स मिशन. सजेशन क्या थे क्रिप्स मिशन के? देखिए, एनी प्रोविंस आर स्टेट शुड बी फ्री आइदर टू एडहेयर आर नॉट टू एडहेयर टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक सूबे को ये इख्तियार हासिल थी कि वो नए आइन के साथ मतलब एडहेयर रहना चाहता है या नहीं. द सेकंड पॉइंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शैल बी रिमेन इन फोर्स अंटिल द सेसेशन ऑफ वॉर. जंग के खात्मे तक जो 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया है वो बरकरार रहेगी. The third suggestion was the suggestion are to be accepted or rejected as a whole. मतलब इसमें ये क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है कि या तो इस suggestions को as a whole accept कर ले या reject कर ले. ऐसा नहीं कि अपने पसंद के पॉइंट इकट्ठा करके उसको फॉलो कर लिया जाए, ऐसा नहीं था. ठीक है, उसमें ये ऑप्शन नहीं था. They should either accept or reject as a whole. रिजल्ट क्या बना? देखिए, कांग्रेस ने इनको क्या कर दिया? कांग्रेस ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया. एंड गांधी स्टेटेड इट एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक. उन्होंने दिवालिया बैंक का ये एक पोस्ट डेटेड चेक करार दिया. और मुसलमानों ने भी इनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट या सेपरेट होमलैंड की कोई भी बात शो नहीं थी, जिक्र नहीं था जो मुसलमान चाहते थे. स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? गांधी ने स्टार्ट की थी. गांधी ने ये कब स्टार्ट की थी? 1942 में स्टार्ट की थी. किस बात के बेस पे? देखिए, उस वक्त जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरी जंग अजीम जारी थी, तो दूसरी जंग अजीम में उस वक्त यानी सब कॉन्टिनेंट हम किसके अंडर थे? सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश के अंडर थी ना. तो डिफिनेटली यहाँ से यहाँ के जो मकामी फौजी थे, मुसलमान और हिंदू फौजी, बरतानवी हुक्मरान उसको मुसलसल जंग में शामिल करने के लिए उसको भेज रहे थे. ठीक है, जर्मनी के खिलाफ उनको लड़वाते थे. तो इस बात से गांधी नाखुश थे और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने इस बात को गैर मुनासिब समझा कि आप हमारे जो फौजी है, हमारे जो सिपाही है, आप उनको जंग में मत घसीटें. सो द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंडिंग इंडियन ट्रूप्स. ट्रूप किसे कहते हैं? ट्रूप सिपाहियों को कहते हैं. ठीक है, सिपाहियों के दस्ते टू फाइट इन वर्ल्ड वॉर टू एंड डिमांडिंग द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्राम द ब्रिटिश. उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया. बरतानियों से वो मुसलसल कह रहा था कि आप इंडिया को छोड़कर अपने इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड चले जाए और हमारे फौजियों को उधर मत भेजे, जंग में मत घसीटे, पराए जंग में हमको मत घसीटे. तो बात तो वैसे उसकी ठीक भी थी. ठीक है ना, अभी अगर मैंने आप लोगों को उसका फेवर में कुछ कह दिया तो आप फिर सब लोग कहोगे कि सर तो नेशनल ही या ऐसा ही है ना. चलो डिप में नहीं जाते इंशाल्लाह. अगर मौका मिला ना और जिंदगी रही और कभी फेस टू फेस हमारा आमना सामना हुआ तो फिर बहुत डिटेल इसके बारे में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा. ठीक है ना. वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना कि जितने बोर आप लोगों को यहाँ पर लग रहा है ना, यकीन करे कि इतनी बोर ये सब्जेक्ट नहीं है. आप लोग पूछ सकते हैं अपने जो थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर जो अभी क्लियर होकर चुके हैं ना, फोर्थ सेमेस्टर के बंदों से पूछे जो सिविल टेक्नोलॉजी में है. तो ये इतनी वो नहीं है, बोर नहीं है. लेकिन सर हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमने उर्दू में पढ़ा था, इंग्लिश में नहीं पढ़ा था, इसीलिए. देखिए जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो पुश्तों के अलावा आप जब अगर उर्दू में करना चाहे या इंग्लिश में करना चाहे वो आपकी मर्जी है. ठीक है,
इसकी टेंशन मत सर, इसलिए हम उर्दू बात में सुने, बात सुने मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। देखिए इंग्लिश में खाली रीड तो कर लेना था कि थोड़ी बहुत वो कैबुलरी तो आप लोगों के साथ आ जाए ना, कोई फर्ज तो नहीं है ना कि बस आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा था आप लोग कयामत तक उर्दू में पढ़ोगे। हाँ मुश्किल अल्फाज तो मैं किस लिए यहाँ पर बैठा हूँ, आप लोग मुझसे पूछ लिया करें ना। देखिए एक्चुअली ये तो ऑलरेडी मैं इसको मतलब जो वॉइस ओवर पीपीटी है इस पे ऑलरेडी ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये क्लास जो होती है ये तो आप लोगों के साथ ज्यादातर डिस्कशन के लिए होती है कि अगर आप लोगों को कोई मुश्किल पॉइंट हो तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर ले। इसके बाद जो भी मुश्किल पॉइंट आता है ना, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि अपने साथ कॉपी और एक पेज रखे ताकि आप लोग इससे मुश्किल वर्ड देख के फिर मेरे साथ डिस्कस कर सको। ठीक है नेक्स्ट देखिए, अच्छा इंट्रोडक्शन देखिए। ऑन 8 अगस्त 1942 कांग्रेस इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू नॉट टू सेंड इंडियन ट्रूप्स ऑन वॉर स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए एक तहरीक शुरू कर दी और इस तहरीक का नाम पड़ गया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट किसे कहते हैं, निकलना। मतलब बरतानियों को वो लोग क्या हिदायत दे रहे थे कि आप लोग यहाँ से निकलो। दे वांटेड टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। दिस मूवमेंट वॉज अ वायलेंस काजिंग मूवमेंट। ये मूवमेंट, ये वायलेंस काजिंग मूवमेंट थी, बहुत ज़्यादा मतलब इससे जानी और माली नुकसान का अंदेशा था, वायलेंस क्रिएट होने का अंदेशा था। इस मूवमेंट के वजह से गांधी को क्या कर दिया, गांधी को अरेस्ट कर दिया गया और कायदे आज़म ने इनको क्या करार दे दिया, कायदे आज़म कंसिडर्ड इट एज़ अ एंटी मुस्लिम एक्शन। कायदे आज़म ने इसको एंटी मुस्लिम एक्शन करार दिया और गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अरेस्टेड प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। उन्होंने जो प्रोमिनेंट लीडर थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गांधी जिना टॉक्स। 1944 में महात्मा गांधी वो सर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इससे तो मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ था ना, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था कि अभी सही वक्त है कि इस वक्त में हम जो है अपने जितने भी मफादात, अपने जितने भी इख्तियारात हैं उसे हुकूमत बरतानिया के सामने। लेकिन ये मूवमेंट अगर आप देखें ना, ये मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट की थी और पॉलिटिशियंस का आप इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होता है किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक है तो मे भी गांधी की वजह से कायदे आज़म इससे मुतफिक नहीं थे, क्योंकि कैदे आज़म वायलेंस के ख़िलाफ़ थे ना, वो ये नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो या शोर शराबा झगड़ा फसादात हो, वो मामलात को बातचीत के ज़रिए और पॉलिटिक्स के ज़रिए हल करने के मुतमन्नी थे। समझ आ गई? यस सर समझ। बाकी मैं भी इससे हो करता हूँ, इतफ़ा करता हूँ कि गांधी वाज राइट, बात उसकी ठीक थी। गांधी जिना टॉक देखे, आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम जेल गांधी रोट अ लेटर टू कायदे आज़म ऑन 17 जुलाई 1944 एंड आस्क हिम फॉर अ मीटिंग। 17 जुलाई 1944 को गांधी ने कायदे आज़म को ख़त लिखा और उस पर मीटिंग का के बारे में वो किया कि आओ मेरे साथ एक मीटिंग कर लो। ठीक है माशाल्लाह स्टूडेंट्स तो आज ज़्यादा है, 18 तक पहुँच गए।